नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है मैकेनिकल सुमन स्पोर्ट। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 90 से 500 वोल्ट की ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर डाटा, उसके कनेक्शन, सभी कुछ ए टू जेड हम बताएंगे। हाँ, पिछले एक सीरीज मैंने बताई थी 140 से 440, उसमें कुछ न कुछ हल्की सी प्रॉब्लम हो गई थी। वैसे वो डाटा बिल्कुल सही थी, लेकिन हमारी मिस्टेक से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हुई, आप लोगों का कमेंट भी आया, इसलिए उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे सभी वीडियो को देखा, पसंद किया, अपने राय भी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको 5 KB का ट्रांसफार्मर डाटा। तो जो आपको 8 KB की नहीं, 5 KB ही है, लेकिन ये 8 नंबर आप कोर देख सकते हैं, ये कोर नंबर है 8 और इसकी बोबिन साइज है 8 नंबर 3 इंच। जबकि इससे पहले मैंने आपको सिर्फ 7 नंबर पे बताया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी वाइंडिंग ज़्यादा हो जाने के कारण, 500 वोल्ट में बनाने के कारण इसकी 8 में हम प्रयोग करते हैं। मैं इसी डाटा का प्रयोग करता हूँ, और इसमें प्राइमरी जो है 15 नंबर और सेकेंडरी जो है 14 नंबर का प्रयोग किया गया है। आप डायरेक्ट चाहें तो 14 नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये लोड ले लेगा कोई, क्योंकि इसमें आपको अधिकांश ये उस जगह का प्रयोग होता है जहाँ वोल्टेज अक्सर हाई आती है, कभी कभी लो होती है, वहाँ के लिए ये है। तो चलिए अब हम कनेक्शन के बाद हम अपने ट्रांसफार्मर डाटा की ओर देखते हैं। पहले तो सबसे पहले 0 टर्न से स्टार्टिंग होगी प्राइमरी, उसके बाद 165 टर्न प्राइमरी हमारी होगी, उसके बाद अगली लूप 240, उसके बाद उसके अगली लूप 289 और उसके अगली लूप 349, और लास्ट जो 500 वोल्ट वाली टेपिंग है वो हो जाएगी आपको 578 टर्न। और इसकी जो ट्रिगर है वो आप 23 नंबर या 22 नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं, 27 टर्न देनी है 24 वोल्ट के लिए। और ये आपकी जो है ट्रांसफार्मर जो है उसकी डाटा है। साथ में अब चलते हैं इसके कनेक्शन की ओर। तो इसमें 5 रिले का प्रयोग होगा, और दोस्तों इसमें आपको मैनुअल किट का प्रयोग होगा, न कि डिजिटल किट इसमें उपयोग नहीं होंगे, क्योंकि डिजिटल किट इसमें मैच नहीं करेगा। अब चलते हैं इसके कनेक्शन की ओर। तो आप देख सकते हैं कि RL1 जो है इनपुट वाली, इसको RL1 मानते हैं और इसको RL5 मानते हैं। तो उसकी इनपुट वाली की जो है कॉमन में जोड़ दी गई है, जबकि इनपुट वाली की NO को डायरेक्ट 500 वोल्ट वाली ट्रिपिंग पर जोड़ दी गई है, और उसकी NC को अगले रिले यानी कि RL2 के रिले के NC पर जोड़ दी गई है, कॉमन पर जोड़ दी गई है, और उसकी NC को RL3 के कॉमन में जोड़ दी गई है, जबकि RL2 की NO को 200 वोल्ट वाली ट्रिपिंग में शॉर्ट कर दी गई है। अब उसके बाद RL3 जो है इसकी NC को 90 वोल्ट वाली और उसकी NO को 140 वोल्ट या फिर उसके अगली वाली लूप को जोड़ दी गई है। अब उसके बाद RL4 है उसकी NC को 200 वोल्ट वाली ट्रिपिंग पर जोड़ दी गई है, जबकि उसकी NO को उसकी बाद वाली ट्रिपिंग पर जोड़ दी गई है, और उसके कॉमन को आप देख सकते हैं कॉमन आपस में शॉर्ट किया गया है RL5 की, और RL5 से NO से आपको आउटपुट सप्लाई दे दी गई है। अब इसकी ट्यूनिंग ऐसी होगी दोस्तों कि पहले आपकी ये टाइमर ऐसी यानी ये टाइमर ऑन होगी, उसके बाद आपको NC यानी कि ये रिले टाइमर के बगल वाली आउटपुट वाली जो रिले है यानी कि RL4 ऑन होगी, उसके बाद RL3 ऑन होगी, उसके बाद RL2, उसके बाद RL1 लास्ट में ऑन होगी। ऐसे आपको सेटिंग करनी है, और अगर सेटिंग के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो भूलिएगा, मैं आपको इस पर वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं कि कैसे सेटिंग की जाएगी, कौन सी किट का प्रयोग मैं करता हूँ। वैसे आप कोई भी
24 वोल्ट वाली किट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में 324 IC पर एक किट उपलब्ध है, उस किट का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि कोई अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर कहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।